हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन आप सबको पता होगा। अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2021 में अपियर हो रहे हैं, बोथ प्राइवेट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता होगा कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आज हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी लाइव आ रहे हैं ठीक 10 बजे, और इसी लाइव सेशन में आज पूरा फैसला हो जाना है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा, या फिर एग्जाम के कब डेट होंगे, या फिर एडमिट कार्ड कब आएंगे, जितने भी हमारी क्वेरीज थी मेरे प्यारे दोस्तों आज क्लियर हो जाएंगे। पर इसी बीच मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक सर्वे हुआ है। सर्वे रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है फॉर स्टूडेंट्स के लिए कि अगर मान के चलिए कि अगर आपका इन सिचुएशन अगर एग्जाम कल पोस्टपोन नहीं होता है, अगर कुछ सोल्यूशन आज नहीं निकल पाता है, तो उसके बाद क्या अल्टरनेट निकाला जाएगा इन सर्वे के द्वारा, इन रीजंस के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही चीज मैं आप सबको स्क्रीन पर दिखा के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी न्यूज भी है, अच्छी खबर भी है, मैं आपको बताऊंगा। आज नोट्स दे रहा हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का, जो काफी ज्यादा मांग हो रही थी बच्चों द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को लिंक इन डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें, और मेरे प्यारे दोस्तों जल्द जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप मान के ऐसे ही चले कि आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में हो रहा है, तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, छोटे से एमसेट के वीडियो के बाद मैं आप तक पहुंचता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। एमसेट पे अगर आपका सब्जेक्ट है पीसीबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसका सेशन स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर दोपहर के 12 बजे। इस पर टॉपिक कवर कराए गए थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, फिर आपका जियोलॉजी मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ अगर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विजिबल है, तो ये कोर्स में आपको टॉप बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं और आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करते हैं या फिर गेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे दिए गए कोड से मियां भाई क्लासेस, तो आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर दूसरी और अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट है पीसीएम, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसका भी स्टार्टिंग डेट था 19 नवंबर सुबह के 7 बजे। इस बैच में मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो टॉपिक्स कवर कराए गए थे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्दर डिटेल्स की बात करें तो सेम प्रोसेस है, आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपके सिलेबस को कवर कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, फ्री भी चल रही है यहाँ पे, फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, तो आप लोग जरूर दिए गए लिंक से पे क्लिक करके विजिट करें और साथ साथ हमारे कोड को यूज करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। तो आज ही उठाइए हमारे बेस्ट से बेस्ट फायदे हमारे एमसेट पे। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ रीजंस वहां पे लिखी गई है, कुछ रीजंस दी गई है हमारे सर्वे द्वारा। लेकिन आज जो पॉसिबिलिटीज आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे रमेश पोखरियाल जी एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे, डेट शीट, यहाँ तक जेई और नीट के भी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा लाखों तादाद में बच्चे हैं, तो इस मैटर पे बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है बातें। तो देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ अल्टरनेट आज भी नहीं निकल पाता है तो आगे जरूर कुछ संभव हो पाएगा। अब मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 5 ऐसे रीजंस है, मैं ज्यादा टाइम नहीं करना चाहता वीडियो में, भी छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि सबका जो है जल्द से जल्द सब लोग रेडी रहे। आप लोगों को लाइव रहना है, आपके यूनिटी के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको वहां कमेंट करना है पोस्टपोन एग्जाम 2021 बोर्ड एग्जाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला यहां पे रीजन तो दिया गया है कि स्कूल हमारे बंद थे, हमेशा की तरह फर्स्ट रीजन स्कूल बंद थे, कोई क्लासेस नहीं हुई, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, नॉट 100% एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। अगर 100% में देखा जाए तो इसमें से बस 60% ही बच्चे और स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर पा रहे थे, 40% यूजलेस, कुछ नहीं कर पाए बच्चे क्योंकि नेट कनेक्शन नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे और क्लासेस भी पढ़ाई में समझ नहीं आई थी। तीसरी बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विदाउट प्रैक्टिकल क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन दी गई है सर्वे द्वारा। चौथी अगर बात करें, बहुत सारे स्टेट हैं जो एग्जाम को ऑलरेडी पोस्टपोन कर चुकी हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट लोग भी प्रिपेयर नहीं है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 5 रीजन तो हैं, पर इन 5 रीजंस का मतलब क्या है और ये देखकर क्या फायदा मिल रहा है, इसका ये फायदा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 रीजंस के बाद जो होने वाला है, आज अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है तो ये सर्वे को लेकर मेरे प्यारे दोस्तों इसके ऊपर कुछ डिस्कशन होकर आगे के लिए आपके लिए सोचा जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सब रेडी हैं आज के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं खा रहा इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोग प्रिपेयर हैं आपके आज लाइव सेशन के लिए, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं भगवान अल्लाह जिसे जिस पे भरोसा करते हैं, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो मांग है पूरी हो। अगर आप चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो तो पोस्टपोन, अगर आप नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो तो ना हो, ये अल्लाह भगवान की मर्जी है और ये आप लोगों की सोच और आपकी ख्वाहिश है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते।